पहला इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि फ्लैश को जो पावर स्टेशन में डंप किया जाता है वो बंद हो, वो कहाँ का यूज होती है, कहाँ का नहीं होती है, वो कितना उचित है कितना अनुचित, ये सेकंड पार्ट में सोचें। और इसलिए थर्मल पावर प्लांट देश की आवश्यकता भी है और कोल आएगा और फ्लैश बनेगी। फ्लैश में जो अभी वैल्यू एडिशन होना चाहिए उसमें दो प्रकार के इनिशिएटिव है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्रीकास्ट की इंडस्ट्री हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हो। अभी हम लोग काफ़ी बड़े प्रमाण पर प्रीकास्ट को इनकरेज कर रहे हैं, पर अभी भी इसमें जैसी चाहे वैसी सफलता नहीं मिली है। अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में जो काम हो रहा वो देखने का मौका मुझे मिला, तो पटेल इंजीनियरिंग करके बड़ौदा की कंपनी है, उनने प्रीकास्ट में अंडरपास और काफ़ी बातें प्रीकास्ट में अच्छी तरह बनाई। हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रोड कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में हम प्रीकास्ट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, इसमें जो इंजीनियर्स की इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी, पोल्यूशन कम होगा और वेस्ट मटेरियल का यूज़ भी होगा। अभी एक टेक्नोलॉजी आई है मलेशिया से और जिसके लिए अभी हमने हमारे यहाँ भी वो काफ़ी बड़े प्रमाण पर उपयोग कर रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पियर ये मैक्सिमम हमारे यहाँ 30 मीटर है, जैसे मेट्रो के भी खड़े आपके यहाँ, पर मलेशिया ने जो टेक्नोलॉजी तैयार की वो 100 मीटर 120 मीटर तक होता है। और उसका कारण यह है कि ये जो बीच वाला बीम जो प्रीकास्ट किया है उसमें उन्होंने स्टील के बजाय स्टील फाइबर यूज़ किया है, और स्टील फाइबर जो है हमारे देश में इसकी फैक्ट्री खुल सकती है, दो फैक्ट्री नागपुर में, ये खंडेलवाल करके है, ये डुंगल, हाँ, पर खंडेलवाल जी अभी हमारे यहाँ सप्लाई कर रहे जो प्रीकास्ट हो रहा है, वो जो निम्बाड़कर है वो उसका यूज़ कर रहा है। अभी लातूर में मैं एक ब्रिज देख के आया और अभी हमने ये किया तो हमारे कम से कम 80,000 करोड़ की तो हमारे डिपार्टमेंट में बचत हो जाएगी। इतने हम लोग ब्रिज हाईवे बना रहे हैं, मेट्रो में ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। जो हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर है यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि ये हमारे कंस्ट्रक्शन में जो डिस्टेंस बिटवीन टू पियर है इसको अगर ये प्रीकास्ट किया जाएगा तो आप तो पहला प्रीकास्ट की इंडस्ट्री हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पर कैसे शुरू हो हर डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए हमने प्रयास करने चाहिए जिससे फ्लैश का कंजम्पशन उसमें ज़रूर होगा। इसके साथ साथ रोड में सॉइल स्टेबिलाइज करते समय फ्लैश एज ए मटेरियल ऐड करना, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना या बाकी नेशनल हाईवे में इसके लिए भी उपयोग बड़े प्रमाण पर होगा तो वो भी यूटिलाइजेशन होगा। और इसलिए फ्लैश का यूटिलाइजेशन एक्सपोर्ट ये उसका उपाय नहीं है। एक्सपोर्ट केवल कहाँ हो रहा है, जो हमारा गंगा पर फराक्का के पास जो पावर प्लांट है वहाँ फ्लैश जो होती है वहाँ से एक्सपोर्ट होती है बांग्लादेश में, क्योंकि वो लॉजिस्टिक कॉस्ट सस्ती है, पर बाकी जगह ये संभव नहीं है। और इसलिए कोराडी जैसे पावर प्रोजेक्ट में हमने कहा था कि इसके क्लस्टर तैयार करो, आप फ्लैश और पानी और पावर उनको दो ताकि उसका यूटिलाइजेशन हो जाए, पर ये अभी तक ठीक प्रकार से इसको उद्योगों को लाना पड़ेगा। चंद्रपुर में ये उद्योग आए पर वो भी ठीक से चलने पे, अभी मैंने कुछ प्रोडक्ट देखे उसकी क्वालिटी अच्छी थी, क्वालिटी एंड कॉस्ट प्रूवन टेक्नोलॉजी, बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, चारों बातें जब होगी तो ही प्रोडक्ट का फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि आप ये जो प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्लैश का वेल्थ में कन्वर्ट करना, वेस्ट टू वेल्थ, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से और रोजगार निर्माण करने के दृष्टि से भी आवश्यक है। और इसलिए नए नए इनिशिएटिव को लगातार आप लोग उसके लिए इनकरेज कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी मैंने वहाँ पाल की ब्रिक्स देखी,
उनने उसमें 40% क्ले में फ्लैश डाल दिए। अब आप यहाँ ऐसा कार्यक्रम करने के बजाय, ईंटें बनाने वाले कम से कम 250-300 लोग हैं, जिनको पहुँचाना है उनके पास नहीं पहुँचाते, ये प्लास्टिक वाला है गिरधारी, इसको बता के क्या फ़ायदा होगा। और वो कुम्हार लोगों को बुलाई है और उनको ये पाल वालों ने जो किया है कि 40% प्लास्टिक से इन्वायरमेंट की भी रक्षा होगी। तो ये इसी प्रकार से धीरे धीरे उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। देखो, चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। जब पैसा बचेगा तो तुमको बताने की जरूरत नहीं। अभी मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक लो तो लोग खुद ही करने वाले हैं। केवल उसमें फायदा दिखता है तो लोग दौड़ने लगते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को फायदा कितना मिल रहा है ये लोगों को समझाएं और उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुझे बहुत खुशी है कि फ्लैश का ये यूटिलाइजेशन के लिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी दोनों के दृष्टि से, और ये एक्सपोर्ट वगैरह हो नहीं पाएगा, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट पुराएगी नहीं। यही हम नागपुर में ही ओराड़ी खापरगढ़ का यहीं हो, परली का परली में हो, इसी प्रकार का कन्वर्शन हो, और इसमें ऊर्जा विभाग स्टेट गवर्नमेंट के अगर इनिशिएट करते हैं तो इसका ज़्यादा फायदा होगा। आपका लगातार, आप इसमें बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी, ऐसा आपको मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ। गाड़ी ऐसी रुकती है सरकार में, एक आदमी बदल गया है कि वो दूसरा ज्ञानी आता है, वो दूसरा काम शुरू करता है, क्योंकि सरकार में ज्ञानियों की कमी नहीं है और हर आदमी नया आता है वो नया ज्ञान सिखाता है, तो इसलिए ये तकलीफ होती है। तो पर ये हमने करते रहना चाहिए, इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं आपको बधाई देता हूँ और इसमें निश्चित रूप से जो भी सहयोग होगा वो जरूर करूँगा। इसी विश्वास के साथ मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भैया, और दो कार्यक्रम में आज देरी हुई है, बहुत कार्यक्रम है और आपके लिए लेट आया हूँ, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद।